नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खेल में हारने वालों का भी अपना रुतबा होता है, मलाल वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं होते। ये पंक्तियां हैं ईशान पब्लिक स्कूल की तरफ से। सबसे पहले आप सभी को हमारे विद्यालय ईशान पब्लिक स्कूल की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को सत सत नमन अभिनंदन करता है। खेल दिवस के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय ने कक्षा 11 व 12 के मध्य ऑनलाइन स्पीच प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका विषय था खेल दिवस और आज के दौर में खेल का महत्व, जिसमें दोनों कक्षाओं के समस्त प्रतिभागों ने बड़े ही उत्साह से ऑनलाइन व अपने वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को साझा किया। प्रतियोगिता के परिणाम के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, वजह थी बच्चों का बेहतरीन होना। पर अंततः जो बच्चे टॉप 5 में रहे उनके नाम व परिणाम इस प्रकार रहे। कक्षा 11 से रिया विश्वकर्मा, अर्पिता सिंह, श्रेया सिंह, अभिनव कुमार राय, दिव्यांशी तिवारी स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए अक्षय श्रीवास्तव प्रथम रहे। तो वही कक्षा 12 से सानू सिंह, अदिति राय, प्रीतम मौर्य, वर्तिका तिवारी, जिया सिंह रहे। प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संत कुमार श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर श्री दुर्गेश मिश्रा व परीक्षा प्रभारी राम सिंह रहे। सभी विजेताओं को विद्यालय खुलने पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं का संचालन शारीरिक शिक्षा अध्यापक धीरज सिंह ने किया। इस शुभ अवसर पर विद्यालय के निदेशक अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अपने संदेश में कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसके साथ शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए खेलना भी उतना जरूरी है। हौसलों की तरकश में कोशिश के तीर जारी रखें, हौसलों की तरकश में कोशिश के तीर जारी रखें, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने का हौसला रखें। विद दिस ब्यूटीफुल थॉट, आई एम श्रेया सिंह, स्टूडेंट ऑफ ईशान पब्लिक स्कूल क्लास 11 कॉमर्स। आई वांट टू वेलकम आवर ऑनरेबल डायरेक्टर्स एंड रिस्पेक्टिंग प्रिंसिपल्स एंड माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एज वी नो दैट टूडे इज 29 अगस्त, वी सेलिब्रेटेड द नेशनल स्पोर्ट डे। ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आवर PhD टीचर मिस्टर धीरज सिंह सर ऑर्गेनाइज द स्पीच फॉर स्पोर्ट डे, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्पीच। इन दिस डे वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ लेजेंड हॉकी प्लेयर मिस्टर ध्यानचंद सिंह, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया। इट इज़ अ प्राउड फॉर इंडिया। ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। सो आई एम टेलिंग अबाउट वट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एवरीबडीज लाइफ। प्रीवियसली देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बट नाउ देज देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जस्ट लाइक अ हॉकी, फुटबॉल्स एंड बैडमिंटन एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, वी नो दैट स्पोर्ट्स आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज लाइफ। विदाउट स्पोर्ट आवर लाइफ इज यूजलेस। ड्यू टू स्पोर्ट आवर बॉडी इज फिजिकली एंड मेंटली फिट। ऑल्सो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर करेजिंग द स्टूडेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो आई एम गोइंग टू सम लाइन्स ऑफ हिंदी। दोस्तों, आज के समय में लोग खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसमें सभी लोग इसमें मेन अनुशासन को अगर लेके चले तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने स्पीच को ख़त्म करने से पहले सभी से कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करें और अपने आसपास भी स्पोर्ट्स के लाभों और उसके उपयोग को बताएं। सो आई एम गोइंग टू एंड माय स्पीच विद ब्यूटीफुल संस्कृत थॉट। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य भवते। इन हिंदी में सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग रोग मुक्त रहें, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इसी मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीबडी एंड टीचर्स फॉर गिविंग मी अ स्पेशल टास्क। हेलो एवरीवन, आई एम सानू सिंह, रेजिडेंट ऑफ क्लास 12। I was given a task to give a speech on National Sports Day by our physical education teacher Dhiraj Singh. So I am making this video on this topic, National Sports Day. National Sports Day is celebrated on 29th of August in the remembrance of birthday of Major Dhyanchand. Major Dhyanchand was
born on 29th of August in Allahabad in 1905. He was a very famous player and he won three times gold medals in Olympics in hockey. So he was known by the titles like God of Hockey, Magician of Hockey, Father of Hockey, by all these titles. He was a very famous player and was born in a Rajput family. He was died on 3rd December 1979 in Delhi because of the liver cancer. And he said to Indians never to lose. We know sport. What is a sport? Sport is a competition of physical activities between various teams, we can say, at a national or international level. And if you are good at sports, you should do your best in sports. And you will certainly will be good at sports. जैसे लोग कहते हैं ना कि जो है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि आप जो है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब. थैंक यू.